और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। साथियों, इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का यह फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और जिनसे मांग रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। उसने एक तरफ इन वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को
उनके घर का हक भी दे दिया है। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवीय है। साथियों, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तमाम राजनीति अवरोधों के बीच बीते 5 वर्षों में हमने दिल्ली मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया है। साथियों, 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था और तब दिल्ली में उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले 5 साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू है। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर अगर यहां की सरकार, यहां की राज्य सरकार राजनीति पर उतारू न होती, राजनीति के अड़ंगे न डाले होते, बेवजह मुसीबतें पैदा न की होती तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नाम पर राजनीति करने वाले आपकी तकलीफों को कभी न समझे हैं, न समझने का उनका इरादा है। बरसों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं, जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है, वो दिल्ली के लोग भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अपने दफ्तर आने जाने में, अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका हमने निरंतर प्रयास किया है। दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका, लटका, भटका पड़ा था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते हैं, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इसे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी
बोझ कुछ कम हुआ है और प्रदूषण की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद की है। साथियों, शहर में प्रदूषण कम हो इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें से आधों को पीएनजी आधारित बनाया जा चुका है। इसके अलावा हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है। अगर पराली जलाने की बात है तो आसपास के राज्यों को भी हमने मदद की है, तत्परता से उनका साथ दिया है और कम करने का प्रयास किया है। लेकिन साथियों, आज दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लेरी का ही पानी जैसे मिलता है, साफ मिलता है, हर घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो, उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्लीवासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरीफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है।